ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदृश्य विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि यापणे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। और कुंभ राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का अस्त होना, शुक्र का अस्त होना, त्रिग्रही योग बनना, ये क्या कुछ करेगा आपके लिए, आपको समझ लेना चाहिए। देखिए कुंभ राशि वालों, बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बहुत विशेष तौर पर हुआ था। और हमने आपको कहा था वारे न्यारे करने के योग बनने हैं, लाभ के योग बनने हैं, धन लाभ के योग बनने हैं, सम्मान के योग बनने वाले हैं, ये सब बनेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन विशेष स्थिति ये है कि ग्रह परिवर्तन की तरफ गया और परिवर्तन के बाद एकदम प्रभावहीन हो गया। प्रभावहीन, जी हाँ, ग्रह अस्त हो जाता है तो प्रभावहीन हो जाता है। ऐसा हुआ क्या विशेष तौर पर हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि बृहस्पति का परिवर्तन एक वर्ष के लिए हुआ है। और एक वर्ष में विशेष तौर पर ग्रह का परिवर्तन का योग है, एक वर्ष में एक बार बृहस्पति अस्त भी होता है क्योंकि सूर्य के सन्निकट आ जाता है। जो भी ग्रह सूर्य के सन्निकट आएगा, 12 अंश के आसपास बनेगा, तो वो ग्रह दिखना बंद हो जाएगा, आकाश मंडल में लोप हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि रात को कोई आप जब गाड़ी चला रहे हो तो पीछे सामने से कोई बड़ा वाहन आ रहा हो, उसकी एक लाइट जल रही हो, तो पीछे से आपको दिखाई नहीं देगा कि वाहन है कौन सा, अंदाज़ा लगा पाते हैं आप। दिन में तो प्रकाश में दिखाई दे रहा होता है, लाइट भी जला रहेगा तो नहीं दिखाई पता चलेगा, कुछ उसका प्रभाव नहीं होगा, पता चल जाएगा पीछे से कौन सा वाहन है। लेकिन रात्रि में यदि सामने से कोई वाहन आ रहा है और उसकी एक लाइट जल रही है, बड़ी है, दो लाइट जल रही है, तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे पीछे से है कौन सा ये वाहन, अगर बाहर से पीछे अंधकार हो। तो यही प्रभाव है कि सूर्य ने उस आकाश मंडल में अपना प्रभाव को दिखाकर राहु के जो बृहस्पति के सन्निकट होने के कारण से उसकी प्रभाव को खत्म कर दिया, उसकी जो डिमडिमाती लाइट है वो आनी बंद हो गई है, प्रकाश उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में है वहीं पर वो ग्रह, और ऐसे में शुक्र भी अस्त हो गया आपकी राशि के अनुसार समझे तो। शनि महाराज आपकी राशि में स्वयं बहुत बढ़िया भाव में चल रहे हैं, लेकिन चल रही है 7.5 आपकी, ये ध्यान रखने वाली बात है, 7.5 चल रही है। और 7.5 में शनि महाराज स्वयं आपके लग्नेश हैं तो इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान के चले कि ये समय आपके लिए उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन शनि की 7.5 तो है, तो उसको उपाय करने की ज़रूरत आपको है, विशेष तौर पर सावधान। और ऐसे में ज्ञान के देवता बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र, वो भी ज्ञान के देवता हैं, और ये सब अस्त हो गए हैं। मंगल जो है वो राहु के साथ ग्रहण में चल रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति समझनी पड़ेगी आपके धन भाव में, जो स्थितियां हैं कई प्रकार से स्थिति, त्रिग्रही योग बन रहा है ऐसे में। तो ये सब स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बड़ी महत्वपूर्ण है समझने। देखिए वैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन जो है कई मामलों में अच्छा है, लेकिन कई मामलों में दिक्कत भी, बंधन भी देता है, ये सब हम हमने आपको बताया और 2 जून को पुनः समझाएंगे। लेकिन तब तक आप कुछ खास उपाय करने का प्रयास कीजिए जिससे ये बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो पूरी तरह से आपके लिए सुंदर तरीके से लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा था, तो आप कैसे ठीक कर सकते। देखिए सकल पदार्थ ये समझना चाहिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ और बोले ये समस्या आ गई है, तो क्या करता है वो, ताकत कम हो गई है भैया, वीकनेस आ गई है, तो क्या करता है वही डायग्नोज, आपकी बीमारी को डायग्नोज करने के बाद उसका उपाय आपको बताते हैं रेमेडिकल एस्पेक्ट में, ये मल्टी विटामिन खा लीजिए, ये गोली खा लीजिए, इससे आपको ठीक होने का रास्ता मिल जाएगा। ज्योतिष भी तो वही है, दृष्टिकोण से आपको देखा कि ग्रह का प्रभाव क्या हुआ, क्या शून्य हुआ, कौन सी इंटेंसिटी कम हुई है, उस प्रकार के रंग आपको पहनाती है, उस प्रकार के नग आपको धारण करा दिए, उस प्रकार के आपको विशेष तौर पर उपाय बता दिए, मंत्र बता दिया, दान करने को बता दिया, ये सब क्या करेंगे, ये उसकी नेगेटिविटी को ठीक करने का प्रयास करेंगे। कुंभ राशि वालों विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए एक तो आपकी 7.5 चल रही है, और ऐसे में ज्ञान के देवता शुक्र भी, और विशेष तौर देवगुरु ज्ञान के देवता, सात्विक ज्ञान के देवता, वो अस्त हो गए। देख चतुर्भाव में जाकर जो विशेष तौर पर सुख वाला भाव है वहाँ जाके अस्त हो रहे हैं, उसके साथ साथ शुक्र भी वहाँ पर अस्त हो गए। तो ऐसे में खास तौर पे इन दिनों 25 दिन के लिए खास तौर पे कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है, तो करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ। लॉटरी खेलने के योग डेफिनेटली बनेंगे, ये समझ लीजिए, हमने पहले भी कहा था कि वारे न्यारे होने के योग बहुत बढ़िया बनेंगे, लेकिन 7.5 को ठीक करने की ज़रूरत है आपको, ठीक करते रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, आपको अवश्य बनेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन उसके लिए कुछ खास उपाय आप करने की ज़रूरत है। आप जैसे कहा कि बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय बताते हैं, अभी हमारे पास कुछ दिन पहले फ़ोन आया, एक व्यक्ति ने कुछ ग्रह खराब थे सोशल मीडिया से देखा और व्यक्ति को बताया कि भैया उपाय कर लो, और उपाय के नाम पर उन्होंने एक बहुत नग बता दिया उनको, 1100 यूरो में वो रत्न उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दे दिया। अब उन्होंने जब देखा कि वो रत्न, तो आज की तारीख में स्थिति ऐसी है कि जो बेच दिया, अब बेचारा विशेष तौर पर, अब हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उस बारे में नहीं जाना चाहते, हम कहते हैं हर चीज़ का इम्पैक्ट है, लेकिन उपाय ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल हर व्यक्ति की सामर्थ्य में है। मंत्र जप करें ना, उपाय हजारों बताए गए हैं,
तो बृहस्पति को ताकत देने के लिए इन विडंबनाओं में ना फंसे। संसार बड़ा विचित्र है, भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के लोग विचित्र स्थिति बना देते हैं। और जन प्रचलित जो है नग पहनना तो एक फैशन ही है, और आमतौर पर वही उपाय बताकर लोगों को लाखों रुपये की स्थिति चित्र बन जाती है। तो ऐसे में सीधे तरीके से उपाय करने का प्रयास करें। हम आपको बता रहे हैं ज्ञान मुद्रा, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये बृहस्पति की उंगली है, ये शुक्र, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की है, ये बुध की है। तो ऐसे में बृहस्पति को शुक्र के साथ मिलाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, बृहस्पति को वही ताकत मिलेगी जो किसी नग को पहनने से मिलेगी। शुक्र का नेगेटिव प्रभाव ठीक होगा, बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव ठीक होगा, बृहस्पति का प्रभाव उत्पन्न होगा। पीले रंग का वस्त्र अपने पास रख लीजिए। हो सके तो विशेष तौर पर एक काम और करें, गाय को पालक खिलाएं, गौशाला में अपने नाम से पालक भिजवा दीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे शहर में रहता हूँ, गाय को कहाँ से खिलाऊँ। शुक्र को ठीक करना चाहते हो तो ये उपाय सबसे श्रेष्ठ है। फलों का दान कर दीजिए। यदि आपके साथ समस्या है तो चिंता ना करें, सोशल मीडिया पे आपको आजकल सारी मॉडर्न तरीके, बहुत गौशालाएं हैं जो मॉडर्न हो गई हैं, आप जाइए उनकी वेबसाइट पर, उनको फ़ोन कर दीजिए भैया मेरे नाम से ये खिला दीजिए गाय को पालक, नित्य प्रति हर रोज़ एक गड्डी पालक खिला दिया कीजिए, उसे बोले फोटो भेज दिया करेगा रोज़ आपको। तो उपाय करने के लिए बहुत व्यवस्थाएं हैं, चिंता ना करें, आप करेंगे तो ये आपके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए रास्ता बना रहे हैं। तो हम तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समस्त रास्ते बताने का प्रयास करें। लॉटरी खुलने को तैयार बैठी है लेकिन ये अवस्था बीच में आ गई है, इसको ठीक करने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करें, करवाएं। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से पंडित जी को बोलिए कि आपके नाम से हर रोज़ कम से कम 1000 बार जप कर दें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, ये कर दीजिए। गौशाला में ये उपाय बता दिया, नित्यपति आप घर पे बैठे हैं खुद कर लीजिए ना उपाय, मंत्र जप तो हमने आपको बता ही दिया। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्यपति आप एक माला कर लीजिए जप। इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास तो कर ही सकते हैं, आपके हाथ में ये, आप जब भी खाली बैठे हैं इस प्रकार से मुद्रा कर लीजिए, देखिएगा प्रभाव उत्पन्न होगा, नेगेटिविटी दूर होगी और बिल्कुल सुंदर तरीके से परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। 7:30 चल रही है, ध्यान रखिएगा कि आपको शनि का भी उपाय करने की ज़रूरत है। शनि के बस कुंभ राशि वालों को खासतौर पर ये हम हिदायत दे के दे रहे हैं कि आपको खासतौर पर लगातार हनुमान जी का सानिध्य रखना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अभी शनि जयंती आ रही है और उस दिन हम आश्रम पर भी 100 पाठ हनुमान चालीसा के करने की व्यवस्था बना रहे हैं। तो आप अपने निमित्त अपने नाम से अवश्य कराइएगा ये उपाय, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जो शतबार पाठ पड़ जोई छोटे बंद महासुख होई। हमने ज्योतिष दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पूर्वाभास हो जाता है और कैसे ये ज्योतिष की गणनाएं जो हैं वो आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें सटीक रूप से बता देती हैं। एक व्यक्ति मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। हमारे पास एक बहुत मूर्धन्य देश के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति जो किसी बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के पीए थे, वो जन्मपत्री दिखाने आए पिताजी के पास और बड़े परेशान थे उन दिनों बड़े परेशान थे। जन्मपत्री जब दिखाई उन्होंने तो कहा, जब जन्मपत्री देखी तो उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न किया कि मेरी उम्र कितनी है आचार्य जी, ये बताएं। तो पिताजी ने जन्मपत्री देखी, मैं वहीं बैठा हुआ था, मुझे, मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष सीखता था, याद अभी भी है, वैसी घटनाक्रम थी। और जब जन्मपत्री देखी उनकी तो उनकी जन्मपत्री में एक विशेष प्रकार का योग था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन होती दिखाई दे रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या जीवन का अंतिम समय आ गया है। पिताजी ने भी जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री मुझे भी समझाया उस विषय को। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर एक ग्रह जिसके कारण से वो मृत्यु का योग बन रहा था, वो विशेष तौर पर अवस्था, किस अवस्था में था वो हमने देखा नहीं। जैसे अभी हम बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, और या विशेष तौर पर सुप्तादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, वृद्धादि अवस्था में, तो वो जो ग्रह था विशेष तौर पर उनका स्वप्न अवस्था में था। वो स्वप्नादि अवस्थाएं हमारे यहाँ विशेष तौर पर बताई गई है, जागृत, स्वप्न, प्रगाढ़ इत्यादि, हर ग्रह की ऐसी अवस्था भी होती है। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उस समय में यही निष्कर्ष निकाला कि महाराज जिसने जन्मपत्री देखी है बहुत बढ़िया तरीके से देखी है और उसने मृत्यु का जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन उपराष्ट्रपति के साहब जो पीए साहब थे उनको यह बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होगी भी और तुम जिंदा भी रहोगे। वो बोला नहीं, साफ साफ बताए क्या मतलब हुआ इसका। उनको बताया गया कि भाई आपका जो ग्रह है विशेष तौर पर जो दिखा रहा है मृत्यु योग बना रहा है वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है, तो मृत्यु का कारक जो बनेगा वो स्वप्न में मृत्यु होने के योग बनेंगे, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आएंगे तो जागृत अवस्था में रहेंगे आप। तो सोचें उस व्यक्ति का वो समय निकला और जो इतना मेंटल टॉर्चर में था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय था, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है,
आपके मनोमस्तिष्क में विचार में कोई स्वप्न भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ज्योतिष की ग्रह गणना के अनुसार से प्रिडिक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, तो यदि वो हमारे अध्ययन में आ जाती हैं, अब इतनी ज़्यादा जो अवस्था ज्योतिष इतना गूढ़ विज्ञान है कि उसकी हजारों लाखों ज्ञान की पुस्तकें हैं, कहाँ कब कौन सी पुस्तक कौन से योग कहाँ विचारों मस्तिष्क में आ गए हैं और उनको सबको देखकर अध्ययन कर कब ज्योतिषी के मनोमस्तिष्क में वो भाव आ जाता है और किस प्रकार से वो गणनाओं के माध्यम से वो भविष्य की दृष्टा को देखते हुए भविष्य के योगों को देखते हुए आपके जीवन में भविष्यवाणी करने के योग बनाते हैं और उसको बहुत गहन चिंतन करके, तो ये घटना हमने आपको बताई और वो व्यक्ति जीवित रहा और उसके बाद पिताजी का शिष्य रहा बहुत वर्षों तक। हमें याद है कि वो जीवन आश्रम पे आते रहे और देखिए ये ज्योतिष जो है विडंबनाओं का नहीं, परेशानी में डालने का नहीं, परेशानी से निदान करने का, परेशानी से निकालने का योग है। तो हम हर सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ अशुभ का योग है भी, यदि आपके जीवन में कुंडलियों में कोई अशुभ योग है भी, तो उनको ठीक करने का रास्ता हम अपना सकते हैं। देखिए अब इसको सिद्धांतिक तौर पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई घटनाक्रम का कुछ योग बने हैं तो किस कारण से बने, कर्म के अनुसार से बने। कोई दुष्कर्म करेंगे तो दुष्योग बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो अशुभ योग बने हैं वो शुभ कर्म करने से ठीक हो जाते हैं। आपके हाथ में कोई रेखा है, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे हेडलाइन में जब मैं छोटा था तो उसके अंदर एक द्वीप चिन्ह था। अब जब पिताजी ने जब ज्योतिष सिखा रहे थे तो कहा कि द्वीप चिन्ह यदि किसी भी लाइन में आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब हमने कहा भाई कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो है। तो पिताजी ने कहा नित्य प्रति ध्यान किया करो। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ पर नित्य प्रति ध्यान करो, ये लाइन हट जाएगी। विचार नित्य प्रति, और आप सत्य माने वो लाइन, वो द्वीप चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जो हेडलाइन के अंदर था वो हट गया, गायब हो गया, कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष चीज़ है, प्रत्यक्ष विज्ञान है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझा जा सकता है। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से करके देखा है और समय समय पर हम विभिन्न उत्सवों का के कार माध्यम से हम उन सब कार्यों को करते भी हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से हमें समझना पड़ेगा। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने जब इसका सृजन किया तो उसका निदान, कारण जानना और कारण किस प्रकार से, और उस समस्याओं का जो कारण जानने के बाद समस्या आई तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उसके समस्त रास्ते हमारे जन्मपत्री जो ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताए गए हैं। एक गणित विज्ञान है और एक निराकरण विज्ञान है जिसके अंदर निदान के समस्त उपाय बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान, दान विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार से पुराण इत्यादि में जितने दान की पद्धति बताई गई है, जितने मंत्र जप की पद्धति बताई गई, यज्ञ इत्यादि की पद्धति बताई गई है, वो सारे के सारे निदान की पद्धति के रूप में बनाए गए हैं। और हमारा विषय जो हम इस चैनल के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से आप सबके समक्ष रखते हैं, वो पौराणिक मत को रखने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत यदि हम समझें, बहुत सारे टोटकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसे ऐसे टोटके बताने का प्रयास करते हैं लोग, ज्योतिष के संबंध में विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा नहीं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष कैसे कैसे ठीक ठीक रूप से, यदि आप यजुर्वेद संहिता को उठा के देखें, यजुर्वेद को भी उठा के देख लीजिए, तो उसमें उसके अंदर सहस्त्रों उपाय यज्ञ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सहस्त्रों लाखों मंत्र बताए गए हैं, लाखों पद्धतियां बताई गई हैं उन सब को। और ज्योतिष में विज्ञान के अंदर जो पंचांग आप देखते हैं, पंचांग के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव आते हैं। वो विभिन्न उत्सव जो है वो विशेष तौर पे हम समझें, वो एक मुहूर्त है कि जिस समय में यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कई गुना अधिक हो जाएगा, और जब पुण्य अधिक हो जाएंगे तो समस्या का निदान का मार्ग मिल जाएगा। तो जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है, प्रदोष के योग आ रहे हैं, होली, दीपावली, ये सब जो अक्षय तृतीया इत्यादि, ये सब जो मुहूर्त आते हैं ये विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पुराणों के अंदर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर इन सब उत्सवों के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के रास्ते बताए गए, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए गए हैं। उन कर्मों को कर आप सुंदर तरीके से, हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न आपकी बातें रखते हैं, विभिन्न कथाएँ रखते हैं इस बारे में कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे, कौन सी हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज्योतिष के अंदर, उन सब सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझें ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है, और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से आश्रम पर करने का जो व्यवस्था बनाई, हमारे पिताजी आचार्य केशवदेव जी महाराज ने पिछले करीब करीब 50 सालों से ये सुंदर आश्रम कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार में स्थित है, यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है,
माँ भगवती का, दुर्गा का बहुत सुंदर चमत्कारी शिव विग्रह जो मुल्तान से यहाँ पधारा, वो आज भी यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में आज भी विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की व्यवस्था चल रही है। गौशाला की सुंदर सेवा, गाय की सुंदर सेवा करने की व्यवस्था है। अस्पताल है जो विवेक योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है और बहुत सारे सहस्त्रों लोग यहाँ आकर अपना उपचार कराते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में। मुद्राओं के संबंध में तो अद्भुत कार्य हमने करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का। आज हमने आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बताई कि बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है तो उसके दोषों को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा। वैसे तो ये मन को शांत करने वाली है। भगवान बुद्ध इसी पोज में ज्ञान मुद्रा में बहुत सारे अपने सहस्त्र फोटो के अंदर, मूर्तियों के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। कहा जाता है प्रपन्न पारी जाता है तो उत्तर वेत्रे पाणे ज्ञान मुद्राए कृष्णाए गीता मृद्वे नमः। तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है। तो आपका जो बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है इन दिनों, आप उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सै गुरुवे नमः, देखिएगा लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो तो हमने आपको बताया ही। इसके बाद भी आपको बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपकी मूल सबके लिए खराब नहीं है। अब जिस एक राशि के बारे में बताया कि खराब है अच्छा है, तो हो सकता है उस आपकी दशा अंतरदशाएँ बहुत सुंदर चल रही हैं, या हो सकता है ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा है तो ग्रह अंतरदशाएँ जो है अशुभ चल रही हों, तो वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस सब संबंध में आपको अच्छा ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह से विचार विमर्श समय समय पर कराते रहें। उन सब समय का आपको आभास होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात से डर जाते हैं कि सहस्त्र, मेरे आप बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे लोग लोग आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से 4-4 दिन पढ़कर ज्योतिष विज्ञान के आचार्य बन जाते हैं और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे लोगों को लूटने का तरीका बनाते हैं। ज्योतिष पैसे कमाने का तरीका नहीं है। हमारा ये उद्देश्य ज्योतिष की वास्तविक स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का है। और बहुत सारे लोग इन भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय बता दिए जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सरलता से, बहुत सीधी तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को पैसे खर्च किए हुए, कोई नग ना बताकर, कोई बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रयोग ना बताकर, बहुत सारी किसी विडंबना से, सब समस्त विडंबनाओं से हटके सीधे सारे तरीके से ज्योतिष के विज्ञान को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझेंगे और लाभ लेंगे।